वेलकम स्टूडेंट्स वेलकम टू रोहित कुमार त्रिवेदी ट्यूटोरियल्स आज के ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल डेथ के बारे में जिसमें कि हम लोग नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस पे फोकस करेंगे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है सेल इंजरी के बारे में टाइप्स ऑफ सेल इंजरी के बारे में और सेल इंजरी के वेरियस कॉजेज के बारे में चाहे तो उस वीडियो को आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर दैट इज सेल डेथ ओके सेल डेथ सेल इंजरी की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि जब हमारी सेल्स इरिवर्सिबल रिवर्सिबल सेल इंजरी की तरफ बढ़ती हैं तो अल्टीमेटली वो कंप्लीट मॉर्फोलॉजी एंड अपने फंक्शंस को खो देती हैं जिसकी वजह से हमारी सेल्स की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है आप इस रिप्रेजेंटेशन को ऑब्जर्व कीजिए दिस इज अवर नॉर्मल सेल मेंटेनिंग नॉर्मल होमोस्टासिस प्रोसेस अगर कोई स्ट्रेस या कोई इंजूरियस स्टिमुलस आएगा तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी सेल्स या तो सेलुलर एडेप्टन की तरफ बढ़ेंगी या तो सेल इंजरी की तरफ बढ़ेंगे अगर हमारा स्टिमुलाई या जो स्ट्रेस है वो थोड़ा ट्रांजियंट है थोड़ा हार्मफुल है तो उस कंडीशन में हमारी सेल इंजरी की तरफ बढ़ने लगती है और जो इंजरी की जो शुरुआती कंडीशन है दैट इज रिवर्सिबल इंजरी ओके और रिवर्जिबल सेल इंजरी रिवर्जिबल सेल इंजरी ऐसी कंडीशन है से सेल इंजरी की जिसमें कि हमारी सेल्स दोबारा से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ सकती हैं अगर हमारा जो स्ट्रेस या जो स्ट्यूमुलाई है वो हट जाए पर अगर हमारा स्ट्रेस या स्टूमुलाई परसिस्ट करेगा सीवियर होगा या ज्यादा लंबे टाइम तक हमारी सेल्स को डिस्टर्ब करेगा तो उस कंडीशन में हमारी सेल्स इ सेल इंजरी की तरफ बढ़ेंगी जिसमें कि अल्टीमेटली हमारी सेल की डेथ हो जाएगी और जो सेल डेथ है ये दो टाइप से हो सकती है पहला हमारा है नेक्रोसिस एंड द सेकंड वन इज एपोप्टोसिस तो हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज नेक्रोसिस एंड व्हाट इज एपोप्टोसिस इन डिटेल नाउ लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ सेल डेथ दैट इज नेक्रोसिस नेक्रोसिस को एक्सीडेंटल सेल डेथ भी बोला जाता है ओके okay, और बेसिकली ये एक अनरेगुलेटेड फॉर्म है ठीक है जिसमें कि हमारी सेल्स की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है और हमारी सेल्स की सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाएगी और हमारी सेल के जो भी कंपोनेंट है वो लीक आउट हो जाएंगे सेल से और इसके अलावा हमारी सेल का जो आयन का जो होम्योस्टास है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा और जब हमारी सेल मेम्ब्रेन को सीवियर डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में लाइसोसिमल एंजाइम्स हमारी सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं जिसकी वजह से वहां पर वो कॉम्पोनेंट को डाइजेस्ट करने लगता है और इस तरीके की मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमारी सेल्स में होती हैं जो कि अल्टीमेटली नेक्रोसिस की तरफ बढ़ने लगती हैं आप इस रिप्रेजेंटेशन को ऑब्जर्व कीजिए रिवर्जेबल सेल इंजरी ओके तो यहाँ पे रिकवरी हो सकती है बट अगर इंजूरियस एजेंट प्रोग्रेसिव रहेगा तो वहाँ पे हमारी सेल इ सेल इंजरी की तरफ बढ़ेगी जो कि सेल डेथ की तरफ है और यहाँ पे हम हाँ डिस्कस कर रहे हैं नेक्रोसिस को तो नेक्रोसिस एक्सीडेंटल या अनरेगुलेटेड सेल डेथ है इसमें अगर आप सेल मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व करें तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है और हमारी सेल के अंदर के जो भी कंपोनेंट है वो लीक आउट हो रहे हैं हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में और यहां पर इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा उन सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी के इंफ्लॉमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से और जो बेसिक रीजन है नेक्रोसिस का दैट इज स्कीमिया एक्सपोजर टू टॉक्सिंस एंड वेरियस इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा ओके तो दीज आर द कॉमन कॉजेज ऑफ द नेक्रॉस नाउ मूविंग टुवर्ड्स द एपोप्टोसिस अब एपोप्टोसिस क्या होता है तो एपोप्टोसिस को प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी बोला जाता है और जब हमारी सेल्स का जो डीएनए या जो प्रोटीन है वो इतना ज्यादा डैमेज हो जाए कि वो रिपेयर ना हो सके तो उस कंडीशन में हमारी सेल्स खुद ही अपने आप को किल करने लगती हैं और इस प्रोसेस को ही एपोप्टोसिस बोला जाता है एपोप्टोसिस में न्यूक्लियर डिसोल्यूशन होता है और हमारी सेल्स का फ्रेगमेंटेशन होने लगता है विदाउट सेल मेम्ब्रेन डैमेज के ओके और हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी इंटीग्रिटी कंप्लीटली लॉस यहाँ पर नहीं होती है क्योंकि सेलुलर कंटेंट साइटोप्लाज्मिक स्पेस में लीक आउट नहीं होते हैं तो इस वजह से अपाप्टॉसिस में कोई किसी भी तरीके का इन्फ्लामेशन कॉज नहीं होता है और जो अपॉप्टॉसिस है वो एक हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस है जिसको कि स्पेसिफिक जेनेटिक पाथवे से रेगुलेट किया जाता है इसीलिए जो एपाप्टिसिस है इसको प्रोग्रामड सेल डेथ भी बोला जाता है तो अब आप इस रिप्रेजेंटेशन को ऑब्जर्व कीजिए ओके दिस इज अवर नॉर्मल सेल ठीक है तो दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ अवर सेल इंजरी जिनमें की बेल्विंग वगैरह होने लगेगी स्वेलिंग वगैरह होने लगेगी और अल्टीमेटली जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे फ्रेगमेंटेशन शुरू हो चुका है ठीक है पर यहां पे कंप्लीटली जो इंटीग्रिटी है हमारी सेल मेम्ब्रेन की वो लॉस नहीं हुई है यहां पर एपोप्टोटिक बॉडीज डेवेलप होने लगती हैं और अल्टीमेटली जो फेगोसाइड्स हैं वो फेगोसाइड्स इन एपोप्टिक बॉडीज को डाइजेस्ट करने लगती है जिसकी वजह से किसी भी तरीके का कोई भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है तो दिस ऑल अबाउट सेल डेथ नेक्रोसिस एंड इसमें कुछ प्रैक्टिस भी करे गए हैं तो इस पीपीटी को आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं इसका डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इस तरीके के और फार्मेसी एंड मेडिकल वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं इस तरीके के और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा टिल नेक्स्ट वीडियो हैप्पी लर्निंग बाय